जन्नती ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह ताला खुद सूरह रहमान तिलावत फरमाए। अल्लाह के यहां बहुत पसंदीदा सूरत है, अजायब गरायब उलूम है इसमें। 31 मरतबा फबेई अलाए रब कुमा तो का जुबान है, और हर दफा गिला और शिकवा अलायदा रंग में है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब ने तफसीर लिखी जो बहुत आला और उम्दा तफसीर है। किसी तालिबे इल्म ने पूछा कि हजरत कौन सी सूरत आपने बहुत तवज्जो से फरमाया, सूरह रहमान। ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दफा मौलाना ने फबेई अलाए रब्बिकुमा तो का जबान की तत्बीक मा सबक से अलाइदा किया है। ये बहुत अजीब रंग और रोगन है। कहते हैं ये पढ़ने से अल्लाह ताला आबादी नसीब करता है। शादी ना हो तो शादी हो जाएगी, हो चुकी हो तो औलाद हो जाएगी। मियां बीवी दोनों पढ़े तो बेटा होगा और हसीन जमील होगा। लोगों ने अजायब तजुर्बात भी इसमें नकल किए। एक हैरान कुन फायदा मैंने इसका देखा है कि ये अमराज के लिए शिफा का बड़ा इक्सीर है। हालांकि मैंने हजारों तफासीर देखी, किसी बुजुर्ग ने भी ये नहीं लिखा, मगर 100% मुकम्मल मेरा तजुर्बा है कि सूरत रहमान पढ़ने से अमराज जायल हो जाते हैं, हमलावर बीमारियां पसपा हो जाती है। शायद इसके खुशरंगी और नेरंगी और बरकात और अनवार जो मोमिन पर नाजिल होते हैं उसके साथ बीमारी का कोई जोड़ नहीं। एक दफा मैं तैयारी करके आ रहा था और ख्याल यही था कि कारी साहब से पढ़ा लूंगा। किसी ने मुझे कहा कि नहीं, खुद पढ़े और सूरह रहमान पढ़े। चुनांचे मुझे बड़ी हिम्मत हुई और सूरह रहमान पढ़ी। वापसी पर आदमी भूल जाता है, फिर वही ख्वाब नजर आया कि अब आप बीमार है क्या? ये सूरत अजायब शिफा है, गरायब सेहत है, तंदुरुस्ती और सलामती का भी अमान और जमान है। घरों में भी कभी कभी तिलावत हो इसकी, रोज हो तो बहुत अच्छा। बार बार पढ़ने से याद हो जाती है। इसके मजामीन भी कुरान शरीफ में कहीं और नहीं है, पूरी सूरत में लफ्ज अल्लाह नहीं है, पूरे रहमान और उसकी मेहरबानियां और उसके अल्ताफ और उसके तकद्दस और 94 नेमतें हैं जिन्हें मुख्तलिफ पैरायों में जिक्र किया है। 4 दावे सूरत के, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमुल बयान। 4 दावों को 94 नेमतों पे तकसीम किया है और अल्लाह की बजुर्गी और अल्लाह का तकद्दस उलूहियत जलालत शान रफात वहदत यकताई और बेनियाजी खूट खूट कर भरी हुई। सूरत के पढ़ने से बहुत सारी हाजात खुद ब खुद पूरी होती है और बहुत सारे नामुनासिब चीजों से जान छूट जाती है। सूरत में बिन दुआ मांगे दुआओं की कबूलियत का भी इशारा है, क्योंकि अल्लाह फरमाते कितनी नेमतें मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुमने मांगी है क्या?
मांगने वाले तो बहुत है, आसमान और जमीन के सब खिलकतें मुझसे मांगती है, लेकिन तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी नेमतें, हसनात, तौफीक, हिम्मत, मर्दानगी, बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेकलाल, मतलूबा जान, मर्दी, सब सूरतों में बिखरे हुए मोतियों की तरह फैलाया है। जिस तरफ से हाथ डालेंगे कीमती याकूत मरजान हाथ आए। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से कुरान शरीफ है, फिर अल्लाह ने उसको महफूज फरमाया। हमारे यहां कितने हुफाज मौजूद हैं।